मिठाई की दुकान पर फ्रिज ठीक करने आए मैकेनिक के सिर पर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह मामला दुकान मालिक की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। हल्द्वानी के स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में फ्रिज सही करने आए मैकेनिक के ऊपर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसके सर के पर खच्चे उड़ गए और मौके पर ही फ्रिज सुधारने वाले मैकेनिक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रिज मैकेनिक के घर जैसे ही मौत की खबर पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि दुकान स्वामी के लापरवाही की वजह से मैकेनिक बिक्की की मौत हुई है। उन्होंने पुलिस से न्याय दिए जाने की मांग की है। थे ये फ्रिज और क्या कहते हैं कूलर वूलर ये सब फ्रिज व्रिज एसी एसी सब सही करते थे। इनके लिए मालिक ने फ़ोन कर इनके लिए बुलाया, ये क्या कहते हैं स्टैंडर्ड स्वीट हाउस वालों ने इनको बुलाया और इनको बुलाया, इनको बोले आप हमारा फ्रिज सही होना है। इन्होंने फ्रिज के लिए अंदर दुकान में एंट्री करी, इन्होंने ये कह दिया कि वो फ्रिज हमारा गोदाम में रखा हुआ है। गोदाम में ये जा रहे थे, घर वहाँ से निकल रहे थे स्वीट हाउस से, तो ऊपर से इन्होंने ऊपर से पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं, ये गोदाम को जाने लगे, बोले सामान मेरा गोदाम में ही ले आना वहीं ठीक कर देता हूँ। ये जैसे ही निकले हैं ऊपर से सीधा ही इनके ऊपर सिलेंडर छोड़ दिया गया और सीधे सिर में लगा, सिर के दो टुकड़े हो चुके हैं और मौके पर ही उनकी डेथ। यहाँ पर आए थे फ्रिज सही करने के लिए, फ़ोन करके उन्हें बुलाया गया था, फ्रिज सही करने के लिए आए। यहाँ पर दो तीन घंटे बाद खबर पहुँची है कि क्या आते हैं उनके ऊपर सिलेंडर पता नहीं किस प्रकार फेंका गया, उनका शरीर में लगी चोट तुरंत ही खत्म हो गई। देखिए एक व्यक्ति की सिलेंडर सर पर गिरने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसमें तहरीर आ गई है, उसी के अनुसार इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।